सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों पर जो भागीदारी है उस पर पाबंदी सही है। इस सवाल का जवाब आप टीवी 9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर भी दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। तो सत्ता में आज हम आतंक की उस सत्ता की बात करेंगे जो कश्मीर से दिल्ली तक दहशतगर्दी की साजिश रच रहा है। कश्मीर का अमन चैन आतंकियों के दिल में शूल की तरह चुभ रहा है, इसलिए आतंक के आका कश्मीर को दहलाने के लिए खूंखार साजिशें रच रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक ईद से पहले आतंकी कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देकर हिंसा भड़काना चाहते हैं। आतंकी कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए पवित्र धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। पहले टारगेट किलिंग और अब धार्मिक स्थलों पर हमले के जरिए कश्मीरी पंडितों और सिखों को डराने और निशाना बनाने का नापाक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कश्मीर के साथ ही दिल्ली जैसे शहरों को भी दहलाने की साजिश रची गई। कश्मीर में ईद से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश। कश्मीर में आतंकियों के टारगेट पर मंदिर और गुरुद्वारे। कश्मीर में आतंकियों के टारगेट पर हिंदू। कश्मीर में दंगे भड़काने का नापाक प्लान। कश्मीर में फिर से आतंकी एक्टिव हैं। दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में हैं। ईद से करीब एक हफ्ते पहले आतंकियों की साजिश पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक आतंकी ईद से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी धार्मिक स्थलों पर हमले का प्लान बना रहे हैं। आतंकियों की साजिश कश्मीर में अशांति फैलाने की है, ठीक उसी तरह जैसे आतंकी कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। यही वजह है जिसकी वजह से घाटी में अल्पसंख्यकों खासकर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए केंद्र की ओर से स्पेशल अफसर की टीम भेजी गई है। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, जिसका मकसद है कश्मीर में स्थानीय मददगार और आतंकी के बीच बने नए नेक्सस को तोड़ना। इसी को लेकर कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। टेक्निकल इक्विपमेंट्स के साथ आतंकियों की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी ली जा रही है। आतंकियों की साजिश का जाल सिर्फ कश्मीर तक नहीं फैला है, बल्कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का टारगेट दिल्ली भी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से मोहम्मद अशरफ नाम के खूंखार आतंकी को पकड़ा गया है। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला मोहम्मद अशरफ फर्जी नाम और फर्जी पासपोर्ट के साथ 10 सालों से भारत में रह रहा था। जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी, जगह नहीं बताई गई थी, बट इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी। पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया। यह आतंकी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर त्योहारों पर दिल्ली में विस्फोट की साजिश रच रहा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।